धोलाना में प्लास्टिक के सामान के लाइसेंस पर बनाई जा रही थी लोहे की जालियां। नमस्कार, मैं हूं रेशमी पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हापुड़ हलचल। ये खास खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धोलाना में प्लास्टिक के सामान का लाइसेंस और बनाई जा रही थी लोहे की जालियां। जांच टीम ने फैक्ट्री नंबर F5 का मुआयना किया। बाहर बोर्ड पर प्लास्टिक का सामान बनाने की जानकारी थी, दस्तावेज मांगे तो लाइसेंस भी इसे काम के लिए था, लेकिन अंदर कहानी कुछ और ही थी। वहां प्लास्टिक थी ही नहीं, लोहे की जालियां बनाई जा रही थी। डीएम के आदेश पर टीम ने यहां पर सील लगा दी। लोगों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में ये बड़ा खेल है, लाइसेंस किसी चीज का है और बनाया कुछ और ही जा रहा है। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ उसमें भी यही किया जा रहा था। रूही इलेक्ट्रिक के नाम से लाइसेंस जारी हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने का, लेकिन पहले इसमें बच्चों के खिलौने बंदूक बनाई जा रही थी। बाद में फैक्ट्री को किराए पर दे दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के लाइसेंस पर ही अवैध रूप से पटाखे बनाए जाने लगे। प्लॉट F15 पर चल रही औद्योगिक इकाई में कागजों में पॉलीविनाइल क्लोराइड से सामान बनाया जा रहा था। अफसर अंदर पहुंचे तो यहाँ सेमीकंडक्टर बनते मिले। इसके लिए रसायनों का प्रयोग भी किया जा रहा था। रसायन के प्रयोग से लेकर भंडारण तक के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। डीएम मेधा रूपम ने बताया है कि रविवार को एसडीएम धोलाना, पुलिस क्षेत्राधिकारी धोलाना, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहायक निदेशक कारखाना, क्षेत्रीय प्रबंधक UPSIDC, अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन, उपायुक्त वाणिज्य कर, सहायक श्रमायुक्त के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। दो औद्योगिक इकाइयों में निर्माण कार्य चल रहा था और एक का भूखंड खाली पड़ा था। बहरहाल, इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल।